हरे कृष्णा दोस्तों, बात करते हैं कल के लिए, वेडनेसडे के लिए मार्केट की। आज तो मार्केट शायद मूव करना ही भूल गई। आज जो ऑपरेटर था छुट्टी पे चला गया लगता है। और देखो यहाँ पे कंपल्सिव ट्रेडर्स जो हैं वो तो ट्रेड कहेंगे कि दो सर कराओ, सर ट्रेड कुछ तो कराओ, नहीं कराओगे चलो हम खुद कर लेंगे, हम खुद लॉस कर लेंगे। देखो आज अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी को सुबह से लेके अभी तक भी चेक करोगे तो आज सिर्फ और सिर्फ 50-55 पॉइंट की एक रेंज के अंदर निफ्टी ने काम किया है। और ये थी आज के रेंज, नीचे 655, ऊपर 700, मतलब ये 45 पॉइंट्स की रेंज है। और आप हाई से लो, कोई कोई स्पाइक आता है कभी ऊपर या कभी नीचे, गिन लोगे तो 60 पॉइंट की रेंज। अभी यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़। देखो निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, ठीक है, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे सभी की सभी पुट्स के प्राइसेस लगभग लगभग डाउन है, लेकिन इन द मनी पुट्स के रेट थोड़े से बढ़े हैं। यहाँ पे किसी ने तो थोड़ा सा माल उठाया है ऐसा लगता है, इन द मनी पुट्स के रेट थोड़े से बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि कॉल सारी की सारी टूटी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ये दिखी। अब दूसरा चीज़ देखो और भी इंटरेस्टिंग, बैंक निफ्टी जो कि 122 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 122 पॉइंट डाउन है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था 320 पे तो लगभग 150 पॉइंट डाउन था, अभी 25-30 पॉइंट उछल गया होगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ आपको बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। देखो बैंक निफ्टी की 125-30 पॉइंट डाउन मूव रही है। कॉल के प्राइसेस आप देखोगे तो 100-100 रुपये कम हुए हैं, ठीक है, 800 की कॉल 100 रुपये कम हो गई, 900 की कॉल 100 रुपये लगभग 86 रुपीस कम है, 700 की 109, 600 की 119, कॉल के प्राइसेस कितने ज़्यादा टूटे हैं, ठीक है। पुट का प्राइस लेकिन बढ़ा नहीं है। देखो अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे है, 600 कुछ पे बैंक निफ्टी है, एटलीस्ट 600 की पुट का रेट तो बढ़ाते, 600 की पुट भी सिर्फ 7 रुपये बढ़ी है, 700 की इंदामनी पुट भी सिर्फ 16 रुपये बढ़ी है, डिस्पाइट मार्केट फॉलिंग बाय 120-130 पॉइंट्स। दिस मीन्स वॉट, दिस मीन्स मार्केट इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ ऑप्शन सेलर्स। आपको स्पॉट का चार्ट देख के लग रहा है अरे यार ये वाला मूव मैं खा लेता या ये वाला कर लेता, आपके चांस ऑफ मेकिंग लॉस इज वेरी हाई, फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड थिंग, आपको बहुत ही फास्ट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए होता है ऑप्शन में, प्राइस का गेन चाहिए, तो ये मूवमेंट एक डायरेक्शनल वर्टिकल मूव है, ये एक वर्टिकल डाउन मूव है, ये एक ठीक ठाक सा मूव है, ये जो मूव है ये इसकी दिशा आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो दिस इज अ अप मूव, दिस इज अ डाउन मूव, दिस इज अ साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट में कोई चाल नहीं थी आज। बट कल आपको मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा था कि भाई दो दिन तीन दिन अगर मार्केट एक रेंज में बिता लेती है इस तरह के डाउन मूव के बाद तो चांसेस आर वेरी हाई, बैक टेस्ट करके देखो कि वेडनेसडे सेकेंड हाफ या फिर थर्सडे को हमें एक बड़ा फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिख जाए ये, क्योंकि एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे बनता चला जा रहा है, तो फिर यहाँ पे फॉल आ सकता है। गारंटी नहीं है कि आप बिना प्राइस देके बिना चाल देके पुट लेके बैठ जाओ और सोचो आएगा, हो सकता है कल भी साइडवेज रह जाए, फिर क्या करोगे। तो थर्सडे को बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट फिर कल कुछ मत करो, लेकिन यहाँ पे आपको मौका तो मिलने वाला है। यहाँ पे मैं 2 घंटे का चार्ट खोलूंगा बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंटरेस्टिंग और ईजी पैटर्न है, ये डाउन मूव आया है, उसके बाद यहाँ पे एक ये एरिया में लगातार बेस बिल्डिंग हो रही है और ये ऊपर से इस तरह से ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये एक फेक था इसको हम हटा देते हैं। तो अभी ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको ऊपर बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं है, इसको देखो 900 पे फिर 45,000 के राउंड लेवल पे जहाँ से ये दो तीन दिन पहले मंडे को भी और उसके बाद पिछले थर्सडे को भी अटका था, फ्राइडे को भी अटका था, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपसाइड के लिए हमें पहले तो इतना ट्रैवल करना है, एक अच्छी क्लोजिंग देनी है इस मंदी के माहौल में, फिर वहाँ पे कुछ लोग अगले दिन हिम्मत करेंगे बाइंग करने की, फिर वहाँ से कुछ अपसाइड आ सकती है। तो अभी अपसाइड के लिए तो वेट करो, रेड क्लोजिंग में बाइंग का कोई मौका नहीं है। बट अगर ये कल गैप डाउन खुल जाता है, सोचो गैप डाउन खुल जाता है, पैनिक आ जाएगा, क्योंकि जो सपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, सपोर्ट के काफ़ी करीब हम बंद हुए हैं। और अच्छा हो जाता है फ्लैट ही खुल जाए, 10-20 पॉइंट की रेंज में खुल जाए, आज की क्लोजिंग से 25 पॉइंट की रेंज में खुल जाए, फिर नीचे आने लग जाए, अच्छा मौका मिलेगा, बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे हमारा टारगेट 44,200 या 44,000 के करीब का भी बन सकता है, तो ये हमारा कल के लिए प्लान होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, और चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ सिखाने के हिसाब से। देखो आप देखोगे ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई है वो ये है। अब इस रेंज को अगर आप मेजर कर लोगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है भैया, ये तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है। बट इस कारण से होता क्या है कि मार्केट में स्क्वीज हो जाते हैं जो इंडिकेटर्स है, जैसे बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है, आप लगा के देखना, स्क्वीज हो जाता है इस तरह से,
स्क्वीज के बाद हमें एक बड़ा मोमेंट जिस भी तरफ बड़ी कैंडल से शुरुआत हो मिलता है, ऊपर निकलेगा तो चांसेस रहेंगे ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे निकलेगा तो नीचे नीचे नीचे। तो अब आपको एक बड़े कैंडल का वेट करना है। बड़ा कैंडल कैसा? बड़ा कैंडल होता है कुछ इस साइज का, कुछ यहाँ पे आपको इस तरह का रेड कैंडल दिख जाए, ऐसा कोई रेड कैंडल दिख जाए। तो यहाँ पे आपको इधर भी दिखेगा कि भाई एक छोटी रेंज में मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया था, फिर यहाँ से बड़ी कैंडल से निकल पड़ा। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा कैंडल इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है, लेट से गैप डाउन खुल के आ जाए या फ्लैट खुल के आ जाए, लेकिन ये कोई कैंडल में 500 का लेवल एक अच्छे कैंडल से स्ट्रेंथ से तोड़ देता है, विद वॉल्यूम तोड़ देता है, तो फिर चांसेस क्या रहेंगे कि ये जो 440 400 ये वाला जो लो है ये भी टेस्ट होगा, और इसके नीचे जाने के बाद फिर तो और ज़्यादा तेज़ी से गिरावट 44,200 44,000 100 44,000 ये सब लेवल्स की तरफ मार्केट अग्रसर हो जाएगी। वहीं पर अगर मार्केट में कोई अपमूव आता है तो अपमूव के अंदर देखो अब रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर मिलेगा बैंक निफ्टी को कल के दिन में। देखो एक तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्लस सही भी है, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पर भी आप लोगों को गाइड किया था, एक ट्रेंड लाइन आप लोग बना सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अभी आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर टूटती हुई दिखती है, ठीक है, तो आप पहली बार बाइंग में जा सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे एक इधर से भी आप ऐसे एक चैनल भी बना सकते हो कि भाई बैंक निफ्टी जो है इस तरह से एक चैनल के अंदर काम कर रहा है साइडवेज होकर, तो अगर ये इस चैनल को तोड़ता है और इसके ऊपर खुलता है तो ये हमारा बाइंग एरिया रहना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। तो आपको बाइंग के लिए मेरे हिसाब से तो देखो 700 पे आज काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग की गई है, मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके। तो 700 के लेवल पे आज करने वालों ने 94,000 हाईएस्ट कॉल राइटिंग करी है, एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बन गया है। 800 पे भी अगेन काफ़ी हैवी ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर कोई आपको अपमूव के लिए प्ले करना है तो मैं बोलूँगा 700 के आसपास बाइंग का मौका देखो, 700 से पहले नहीं। यानी अगर कल मार्केट 710 720 इस एरिया में खुलती है और या फिर नीचे थोड़ा सा खुल के इस एरिया को पहुंचती है, टिकती है यहाँ पे, तो आप बाइंग में जाओ और आपका टारगेट 800 तक का होना चाहिए। 800 टूट जाता है तो फिर आपका टारगेट कल के दिन में बहुत अच्छा, कोई अगर अपसाइड आता है वर्ल्ड मार्केट से कुछ बढ़िया सपोर्ट है तो 950-45,000 राउंड लेवल तक का रह सकता है, उससे ज़्यादा का भी हम प्लान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका व्यू रहना चाहिए। तो करते करते 3:30 बजते एडजस्टेड क्लोजिंग अभी आ जाएगी, निफ्टी फ्लैट ही हो गया। निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया, 0 पॉइंट का चेंज, कल भी कुछ नहीं किया था, दोनों दिन एकदम परफेक्ट डोजी कैंडल्स बनाई है। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार, निफ्टी के लिए जो लेवल्स चाहिए आपको बता देता हूँ। तो निफ्टी की देखो ये रेंज है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ। लोग इस रेंज के टूटने पर बाय करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है सर पे। तो यहाँ पे अगर ये रेंज के ऊपर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो, 700 जस्ट टूटते ही, 700 के टूटने से 5-10 पॉइंट पहले एक्सपेक्टिंग की टूटने वाला है, बाय कर सकते हो एक विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। बट टारगेट आपका पहला 25-30 पॉइंट का ही है, 730-725 पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 780 से लेके 800 का जोन। तो ये एक निफ्टी का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने पर ही निफ्टी को मैं थोड़ा पॉजिटिव मानूंगा, वो भी ऐसे नहीं कि इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट यू नो सीधा ऐसे वर्टिकली निकलेगी। इसके ऊपर मार्केट को निकलने के लिए यहाँ पे जाए, रिटेस्ट वीटेस्ट करे, इधर टाइम बिताए, फिर ब्रेकआउट करे, एक अच्छी क्लोजिंग देगी, तो उसके अगले दिन फिर हम यहाँ पे एक अच्छी तेजी के लिए या एक ग्रीन मूवमेंट के लिए जो ये गैप फिल करने का मैं भी कोशिश कर सकता है इस एरिया के लिए प्लेआउट कर सकते हैं। तो निफ्टी में मेरी सलाह नहीं रहेगी बाइंग की, पर अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं बोलूँगा 725-730 ये वाला रेजिस्टेंस पार होने दो तो 800 तक का अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। 700 टूटने पे बाय करोगे तो फिर फंस सकते हो, 20-25 पॉइंट का ही सिर्फ टारगेट बनता है। तो 730 के ऊपर निफ्टी को बाय कर सकते हो, 725 से 730। बाकी मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो वहाँ पे आपको अपडेट्स सुबह सुबह ही आ जाया करेंगे। जैसे मैंने आज भी लेवल्स दे दिए थे, बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर कर दिया था, गाइड कर दिया था कि क्या करो क्या ना करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आज का दिन कैसे प्लान करना है, मैं कैसे सोच रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, और मत कोई ज्वाइन कर बैठना दोस्तों। रोज मेरे को मैसेज आता है किसी ने किसी को 5,000 दे दिया, किसी ने किसी को 10,000 दे दिया। मेरे नाम से 20 टेलीग्राम ग्रुप्स खुले हैं जो कि सभी फेक हैं, ओरिजिनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसी तरह से और भी कई सारे फेक ग्रुप्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है। हर यूट्यूबर के बहुत सारे फेक बने हुए हैं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान खुद रखना है। देखिए यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की बात करी, डेली चार्ट पे चलते हैं और लास्ट एक दो पॉइंट्स को मैं और टच करना चाहूँगा। पहली बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि नैसडेक का चार्ट कैसा है, तो नैसडेक के अंदर भी आप देखोगे जस्ट लाइक हमारी मार्केट में जैसे हो रहा है, 3 दिन से एक गिरावट तो रुक गई है, हॉल्ट हो गया है, ठीक है। ये हॉल्ट हुआ है सपोर्ट्स के पास में, तो ये मेक और ब्रेक एरिया बन जाता है मार्केट का। देखो यहाँ पे भी इधर ही हमने सपोर्ट लिया था, तो अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन कर जाती है आने वाले सेशंस में, तो ये जो गिरावट है ना ये छोटी नहीं, ये बड़ी होने वाली है। हम एक फिर अभी तक हमने इतनी बड़ी रैली में कोई साइजेबल करेक्शन नहीं दिया, फिर अब हम पहली बार एक साइजेबल करेक्शन के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि देखो नैसडेक में भी इतनी बड़ी रैली आई थी, एक टॉप लगा, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा, तो यहाँ पे जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम लग रहा है मुझे तो कि यहाँ से मार्केट छोटा मोटा बाउंस भी लेके गिरती है तो भी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम लग रहा है कि अगर ये ब्रेकडाउन किया तो बड़ी डाउन मार्केट एक मिल सकती है, अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, फास्ट मूवमेंट मिल सकता है। उसके लिए अपने पैसे को बचा के रखो यहाँ पे जब वो मार्केट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तेजी में बैठे हुए थे या फिर आपने स्टॉक्स खरीद रखे थे, आपको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे। बाकी देखो मार्केट है, किसी को एग्जैक्ट तो पता नहीं होता, और कोई भी न्यूज़ या कोई सडन इवेंट आ जाए जिसका एक्सपेक्टेंसी नहीं है तो चेंज हो जाता है सेंटीमेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स की बात करूँ तो देखो इंडस आई एन डी बैंक का चार्ट खोलना था, इंफोसिस खुल गया, इंडस आई एन डी बैंक का चार्ट खोलते हैं। इंडस आई एन डी बैंक आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में से था, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट फेलियर का पैटर्न बन रहा है। इस स्टॉक के अंदर मैंने शॉर्ट भी किया था 2-3 दिन पहले और प्रॉफिट भी किया था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से वही हो रहा है कि ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर गया लेकिन टिका नहीं, वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर इसने इस एरिया को तोड़ दिया, ये जो एरिया है यहीं पे इसने दो बार सपोर्ट लिया है, ये है 1410, 1409 के नीचे आप इसको शॉर्ट करो, बड़े टारगेट लेके बैठो। इसमें अक्टूबर का पूरा महीना पड़ा है, मिनिमम से मिनिमम भी आपका टारगेट 1360 का होना चाहिए, 1360 से अगर ये और नीचे जाता है तो फिर आपको जितनी बड़ी ये रेंज है उतना बड़ा और नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आपको इधर 15 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी रहेगा, पर 1409 के नीचे ये जाए, मार्केट वीक हो, तो ही आपको शॉर्ट करने का फायदा है, वरना साइडवेज टू लिटिल बिट पॉजिटिव यहाँ पे बना रहेगा, और जब मार्केट गिरेगी तभी स्टॉक्स ब्रेकडाउन करते हैं ज़्यादातर। सेकेंड स्टॉक की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँ तो दोस्तों सेकेंड स्टॉक है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक के अंदर हम देखेंगे कि एकदम बढ़िया लेवल पे है, सपोर्ट पे है, और मार्केट के कुछ स्टॉक्स में से ये है जिसने रैली के अंदर पार्टिसिपेट इतना खास नहीं किया था। अब सोचो मार्केट करेक्टेड है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये फट सकता है क्योंकि ये सपोर्ट पे है, ठीक है, बट अगर ये इसको भी तोड़ता है फिर इसमें पैटर्न गंदा हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड रहना है, तो अगर मार्केट अच्छा कर रही है, मार्केट सपोर्ट पे बाउंस कर रही है, कोई ग्रीन में दिखता है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वर्ल्ड मार्केट, तो बाइंग में अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इसमें आपको यहाँ से बड़ी तेजी मिल सकती है अगर मार्केट बाइंग में जाती है तो यहाँ पे कोटक बैंक के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। फंडामेंटली अच्छा बैंक है, वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स इन इंडिया, गुड स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर देखो आज एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है हमें, और ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही खुद को होल्ड कर रहा है। आज एक रिजेक्शन मिला यानी सेलिंग की गई है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक सेलिंग इसके अंदर आ चुकी है, साइडवेज जा चुका है, ये और नीचे आ सकता है। मुझे लगता है इसके अंदर 245 का लेवल अगले 1-2 दिन में आ सकता है, तो टाटा पावर को हम 255 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का टारगेट, बट अगेन वीक मार्केट में ही काम करना दोस्तों सेलिंग का। मार्केट आधा आधा 1-1% ऊपर हो और आप शॉर्ट कर जाओगे तो फिर आपका स्टॉक साइडवेज चला जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा भी नहीं होगा शायद इमीडिएटली। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है मार्केट का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।